हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो हम एसएससी के जीके के जो पोस्ट कोड 901 के जो जीके सेक्शन है उसको हम रिवाइज करेंगे। तो उसमें जो जीके क्वेश्चन है वो ही देखेंगे टोटली। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, 121 का राइट जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी तरह 122 जो क्वेश्चन है, गुरु घंटाल मठ जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, 122 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 123, वो क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो 123 का जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊना जिले में। तो 124 जो क्वेश्चन है, सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का लोक नृत्य है? नाहन, मनाली, कंडाघाट या चंबा? तो 124 का जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रिजोर सिंह के द्वारा, एलसी पांडे के द्वारा, शांता कुमार के द्वारा या एलसी प्रार्थी के द्वारा? तो फ्रेंड्स, 125 का जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शांता द्वारा जो ये वो लिखी गई थी। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम जो वो कार्यशील हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नगर निगम जो वो कार्यशील जो इसमें में हैं वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी, 5। क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइम जो कार्यशाल मीन्स की कार्य पर नगर निगम हैं टोटल जो, वो उनकी संख्या जो 5 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 127, हिमाचल प्रदेश के किस जल विद्युत परियोजना में उच्चतम जनन क्षमता है, मीन्स की हाई जनरेटिंग कैपेसिटी किस जो वो प्रोजेक्ट में है? तो 127 का जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा पार्वती में, ऑप्शन नंबर ए। तो 128 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिमस्वान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो हिमस्वान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था 5 फरवरी 2008 में। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? फतेहपुर में, सुजानपुर में, नूरपुर में या नारकंडा में? तो ये तो सभी जानते होंगे, सैनिक स्कूल जो वो सुजानपुर जिले में, यानी कि हमीरपुर के सुजानपुर में स्थित है। और अगर सुजानपुर की जगह अगर हमीरपुर दिया होता तो राइट आंसर आया ना हमीरपुर ही आना था। और अगर सुजानपुर और हमीरपुर दोनों दिए होते तो सुजानपुर इसका राइट आंसर आ जाना था, क्योंकि सैनिक स्कूल जो प्रॉपर जो वो सुजानपुर में पड़ता है। तो 130 जो क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हीरा चंद ने, दातार चंद ने, करण चंद ने या जयचंद ने? तो इसके जो राइट जो आंसर आएगा, गुलेर रियासत की स्थापना जो वो हरिचंद्र ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था जो था राजेंद्र प्रकाश। तो नूरपुर का पुराना नाम क्या था? 132 क्वेश्चन है, बनेद है, त्योर है, गिरग्राम है या धमेरी है? तो 132 का जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, धमेरी। तो 133 जो क्वेश्चन है, बालाघाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी में है, सिरमौर में है, सोलन में या शिमला में है? तो ये जो है वो मंडी में, बालाघाटी जो मंडी में स्थित है। 134 जो क्वेश्चन है, भादल हिमनंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है या लाहौल स्पीति में है? तो ये जो कांगड़ा में पाई जाती है बादल हिमनंद जो वो कांगड़ा में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बादल हिमनंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो कांगड़ा में स्थित है ये तो आपको पता है। तो 135 जो क्वेश्चन है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अजिंक्या, अकस्विनी, अकस्नी या पुष्पिणी या कालिंदा, कालिंदी? 135 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्किनी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो 136 क्वेश्चन जो है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? रशिया ने, इजराइल ने, यूएस ने या ईरान ने? तो 136 का जो राइट आंसर आएगा यूएसए ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान किस संस्था के द्वारा, किस संस्था की ताज़ा पहल है किस संस्था द्वारा ये लोग हाल ही में चलाया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग, दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय या AIMS? तो ये हाल ही में जो चलाया गया था वो चलाया गया था दिल्ली सरकार ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 138 क्वेश्चन,
आईफ्लेमिया नामक डाटाबेस हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये जो प्रारंभ किया गया है ये किया गया है इंटरपोल के द्वारा। तो 139 जो क्वेश्चन है वो इसको मैं अलग से टॉपिक में समझाऊंगा, तो इसका राइट जो आंसर आएगा 139 का वो ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा, आप इसको मैच कर लेना। तो 140 क्वेश्चन का इसका जो भी राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उसको आप आंसर की में मैच कर लेना। और 141 का जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसको भी आपने मैच कर लेना है। तो इसी प्रकार 142 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शेष से भिन्न है, मीन्स की सबसे कौन सा भिन्न है, रेस्ट से भिन्न कौन सा है? तो 142 का जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रसायन रूप में जो वो पॉलीमाइड के जो कहलाता है, पॉलीमाइड कहलाता है, रियोन, आर्लोन, टेरिलिन या नाइलोन? 143 का जो राइट जो आंसर आएगा नाइलोन। तो 144 जो क्वेश्चन है, एक गैस पहले रक्त में प्रवेश करती है और फिर डैश प्रक्रिया द्वारा इससे बाहर निकलती है, तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विषरण में, विषरण प्रक्रिया द्वारा ये बाहर जो निकल जाती है। तो इकलौता सांप जो घोंसला बनाता है वो कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो किंग कोबरा जो वो घोंसला बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा।